नमस्कार, फर्स्ट ब्याज झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने गठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ दिया, अब वो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और अब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही है। बता दें कि आज जो नीतीश कुमार है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बिहार का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, उसके बाद से बीजेपी अब नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है और लगातार जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है। बता दें कि इसी बीच जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं गिरिराज सिंह, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो शराबबंदी से फायदा हुआ है वो एक ही पार्टी को हुआ है और वो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। अगर शराबबंदी कानून खत्म हो जाता है तो जेडीयू का अस्तित्व ही मिट जाएगा। बता दें कि गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला है और वहां पे जो एक आंकड़ा है वो दिखाते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को शराबबंदी से फायदा हुआ है। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला है और किस तरीके से उन्होंने आंकड़ों को साझा किया है। बिहार की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिरिराज सिंह ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से अगर किसी को सबसे अधिक फायदा हुआ है तो वह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होते ही जेडीयू का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी का सबसे अधिक फायदा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हुई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व शराब माफिया को जाता है। इस राजस्व का इस्तेमाल जेडीयू अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए करती है। बिहार में अगर आज शराबबंदी कानून हट जाए तो कल जेडीयू खत्म हो जाएगी। शराबबंदी के बाद जेडीयू के चंदे के संग्रह में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर आंकड़ों के जरिए इसे बताने की कोशिश की है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 और 15 की बात करें तो चंदा के रूप में जेडीयू को महज 919 लाख रुपए मिले थे, जबकि साल 2015 से अगर 16 की बात करें तो 2,346.37 लाख रुपए चंदा के रूप में मिले थे। साल 2016 से 17 की बात करें तो 359.3 लाख रुपए मिले थे। वहीं साल 2017 से 18 की अगर बात करें तो 1,203.48 लाख रुपए मिले थे। साल 2018 से 19 में 2,357.76 लाख, साल 2019 से 20 में 2,335.40 लाख और साल 2021 में 6,531 लाख रुपए की सालाना आमदनी हुई है। बता दें कि पिछले दिनों जेडीयू ने चंदा हासिल करने में रिकॉर्ड कायम किया था। क्षेत्रीय दलों में जेडीयू चंदा संग्रह करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। तो बिहार की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद अब जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं और एक के बाद एक करके जो बीजेपी के नेता है वो नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उन पर हमला करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस दिन बिहार से शराबबंदी कानून हट जाएगा उस दिन जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।